ओके यहां पे आते ही अचानक एक फ्री स्टाइल पंच मेरे माइंड में किया जंप। शुभम डोंट वरी, तू कह रहा था गर्मी होगी, यहाँ छाया, यहाँ काफी ठंड, पहले ही पंच से कनु चीजें हीट अप। ये कैप अनारकी में पीकू ने पहनी थी, शेयरिंग इज केयरिंग या फिर कोई नाजायज संबंध। सो सबसे पहले वर्कशॉप में आया था, सीजे फेस को बता रहे थे आप एक बैटल का 50,000 चार्ज करते हो, वो पेमेंट मैनेजमेंट ने आपको कर दी है ना, कर दी तो अच्छी बात, पर मुझे मिला घंटा, क्योंकि 50,000 आपका चार्ज तो 10,000 मेरा भी है बनता। मेहम मेहम यानी मारपीट, अभिनंदन आप सभी का, हार देख ट्रबल भाई से बैटल, यह मायने ना हार जीत, ये मेरे लिए सुसाइड जैसे पी रहा मैं हार पिक। आपकी वैल्यू कम नहीं बता रहा, आपकी वैल्यू कम नहीं बता रहा, ऐसा सोचना होगा टोटली रॉन्ग। इनफैक्ट आपके सामने मेरी वैल्यू जितने आज तक सिक्स एफिसाइबल जिनके सॉन्ग जीरो जीरो। मुंबई में शाउट आउट टू माय हीरो भाई, एक काम करो लाइंस खत्म होने तक टी शर्ट का क्लोजअप शॉट ले लो, इस पंच के लिए मिल जाएगा बी रोल। और बैक फुट पर क्यों हूं मैं आज, इसके लिए करता टाइम को रीवाइंड। इनकी नॉलेज शेयरिंग ने मुझे निखारा, ये जाने मेरे वीक पॉइंट्स, मुझ में कुछ बात थी तभी तो सिक्स एफ ने की मेरे साथ डील साइन। हाँ मैं दिखा नहीं पाया, पर ये कहना होगा गलत कि मैंने किया नहीं ग्राइंड, क्योंकि फर्स्ट इवेंट फ्रंट लाइन मैंने आधे में ज्वाइन करा और टॉप 10 तक मौजूद भी रहा। सेकंड आईआईटी में सेमीज तक पहुंचा तो ये कौन कहेगा कि इंप्रूव नहीं करा। थर्ड प्रूविंग ग्राउंड्स में ओपोनेंट फक्ड अप, पर फिर भी मुझे डील मिली, तो क्या मैंने प्रूव नहीं करा। फोर्थ अनारकी के टाइम दिक्कतें ज्यादा थी, कश्ती लड़खड़ाई पर चतुर डूब नहीं मरा। नहीं मैं हंस नहीं रहा, मैं कर रहा नर्वस हमिंग, काली पट्टी तो लाया पर अब आंखों पे बांध के का फायदा। आई शुड हैव नोन ट्रबल्स कमिंग। हाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया अनारकी में, पर वो वक्त बड़ा बेईमान था। 4 घंटे सोना, 15-16 घंटे स्विगी में डिलीवरी, यही मेरा काम था। धूप बरसात सर्दी या रात अपने आराम को किया हराम था, क्योंकि माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई का मेरे कंधे पर भार था। कैसे कह दूं कुछ आपको गलत में, जबकि कितनी ही चीजें बता के की है मेरी आई क्लियर, लगे एनएफ ने मेरे लिए ही लिखा हो। माइट नॉट बी द बेस्ट इन माय फील्ड बट आई गारंटी दैट आई एम अ रियल टाइम। ओके रियल फकिंग शिट, जब से मैंने 6FU किया है स्टार्ट, तब से इंडियन हिप हॉप की चल रही है अलग ही स्टोरी। पर सबसे ज्यादा हैरान मैं तब हुआ जब गली बॉय ने पीकू की बैटल से वो सिक्के वाला सीन किया चोरी। मैं जहर मिक्सटेप के कुछ ट्रैक्स निकालकर ऑडियंस को कर रहा था टीज, और इंकनिंग ने उसी टाइम पे जहर नाम से अपना पहला गाना किया रिलीज। मैंने कोइंसिडेंस मानकर अपने आप को समझाया, बोला प्लीज, और फिर फीवर्स फ्राइडेज बन गया कलमकार की फीस्ट। पता नहीं देसी हिप हॉप में बची अब किस बात की कसर है, पर इन नकली स्टार्स की जिंदगी में अब मचने वाली भसड़ है, क्योंकि पिछले 3 साल से कर रहे ये सिर्फ 6FU की कॉपी, सॉरी पिछले 3 साल से कर रहे बस ये 6FU की नकल है, और ये सारे इतने फेक है जितना MTV हासिल है। बट लेट्स टॉक टू चतुर, दो तू आ गया ब्रो, क्योंकि मुझे लगा आज शायद तेरे घर पे किसी की तबीयत खराब होगी या तेरे पेट में होगा दर्द या तेरी फट गई जुराब होगी, या तेरे घर में लगी आग या फिर पंचर तेरी कार होगी, या शायद डॉक्टर से हुई तेरी बेड रेस्ट के लिए बात होगी। ये हमें कॉल भी नहीं कर पाएगा, इसके चार्जर की तार खो गई। बट रियलिटी में चतुर बॉक्स की अंदर से फटके हुई चार होगी, चतुर चूतड़ बॉक्स, तेरा सारा शिट मेरे सामने सुपर सॉफ्ट फ्री स्टाइल। बट रियलिटी में चतुर बॉक्स की फटके हुई चार होगी। इट्स टाइम, तो मैं सोच रहा था ये मतलब
थोड़ा सा सोचने दो, एक रिबटल मैंने अभी अभी प्रिपेयर करा, ये चूतर बॉक्स वाला पंच आएगा ये मैं सोच रहा था। इस बैटल के बाद मैं भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊंगा दानिश मौत की तरह, दानिश जैन की तरह, बेशक ये मेरी मौत ना। ओके सो ट्रबल भाई, यू हैव टोल्ड मी कि बैटल इज अ वॉर, दूसरे का करियर तक खत्म कर सकती है। कल आपका बर्थडे है, वहां अकेले ही रहोगे जो पार्टी घर रखी है, क्योंकि चतुर बिना करे ट्रबल का कत्ल ना संभल ये पाएगा। मैं रहता हाई पर या बैटल्स का अच्छा परफॉर्मर आज साबित हो जाएगा। इनके सॉन्ग्स बड़े डोप, लिटरली लूप पर सुने मैंने। थोड़ा सा ऑडियंस को बता दूं गानों में इनके क्या है कहने। नाम मेरा करते हैं यूज ये, बातें फिर करते हैं खूब ये, देसी हिप हॉप को शहरों में बांट के करना क्या चाहते हैं प्रूव ये। व्हाट, तो ये फ्रीवर्स फ्राइडे जो 6 फेब्रुअरी को आता है वो कहां से रिलीज होता है? दिल्ली हिप हॉप। बंटवारा किसने किया? या तो ये साइको खुद के ही गाने में खुद को डिस करे, या फिर बस बीसी कहने को रियल पर बस पंच बनाने को स्पिट करें। और इसी गाने में आगे आता है, अब कोई रिश्ता नहीं धूप से, हर हफ्ते होता हूं शूट पे, डीजे खालिद अनदर वन। पिछले दो साल में आपके सिर्फ दो म्यूजिक वीडियोस आई हैं, बाकी मेरे अनरिलीज रैप बैटल्स की तरह शूटिंग डेटा बना के हार्ड डिस्क भर रहे हो क्या? और कहने को बलजिन और मैं तो टीम के ही मेंबर्स थे, तो हमारी गलतियों पर बड़े भाई की तरह करना चाहिए था एनकरेज, पर मुझे तो ग्रुप्स तक में ऐड ना करा, सबको कहा चूतिया है, हमें इससे है परेज। ट्रबल भाई की शादी का इनविटेशन नहीं आया, हमसे आया वो भीम चापलूस पूछ रहा था, ये भी तो है परेब। पर चतुर बस कर, इस सबसे क्या होना फायदा, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मानू सही कायदा, ना कि भीम की तरह। कहने को बड़े भाई पर जब बैटल शुरू हो तो ये करे तू तड़ाक, यू लाइक माई बिग ब्रदर, चाहकर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, चाहे बन जाऊं मजाक, चाहे बन जाऊं मजाक। सोचा बहुत कुछ था आपके बारे में बोलने को, बट अंदर से दिल ने गवाही नहीं दी। हां मैं जानता हूं आपने अच्छे पंचेस मारी और यहां तबाही भी की, यू लाइक माई बिग ब्रदर। बुरा लगता है, मुझे हर्ट होता है, क्योंकि मैं 6FU को अपना मानता हूं शुरू से, और दूसरे हमें टारगेट करके सोचते दे वॉन, जैसे हम जो करो वो बुरुस वेन, पर टेक्निकली जीत हमारी, क्योंकि दे हेल्पिंग अस टू फुलफिल अवर ड्रीम। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि 6FU के पुश की वजह से ही बने हो मेन स्ट्रीम, पर पूरी तरह वो गलत, ये कहना भी हो गलत, क्योंकि 6FU भी कहीं ना कहीं थी भ्रमित, और होती भी क्यों ना, जो फाउंडर है 6FU का वो खुद ही एक कल्पित कथा अमित, और 6FU का लोगो देख मुझे लगता है ये करते इल्यूमिनाटी को बिलोंग, वैसे ही चर्चित, तो आज इस शैतान को अपनी ये रूह बेच करता चतुर खुद को समर्पित। टाइम फक यू ब्रो, देख आज के बाद तेरे जैसे आर्टिस्ट आंसर नहीं करेंगे मेरे कॉल्स भी, तो अपने राग अलापना बंद कर, क्योंकि तेरे सारे ही गाने हैं कॉर्नी। मेरे ये वर्ड इतने कोल्ड जितनी हिमाचल में होती है मॉर्निंग, और ये घुसंड देगा तेरा मुंह फाड़ जैसे सुट्टे के डब्बे पे छपी हुई वार्निंग। ब्रो इतने बहाने बनाए हैं तूने कि तुझसे यही थी एक्सपेक्टेशन, पिछले 2 साल में दी है तूने सिर्फ एक्सप्लेनेशंस, मुझे चाहिए था टैलेंट ना कि फालतू रिलेशंस, एक बहाना और मैं खो दूंगा पेशेंस, ये चांद पे लेके जाने वाले पंचेस हैं, लेकिन तुझे समझाने के लिए आई विल ब्रेक इट इन लेमेंस, देख तेरे रैप करियर के आज होने वाले डे एंड, क्योंकि मेरा नाम है ट्रबल और बिच ये है मैम। एक मिनट, मेहम से कर चुका था ये बैकआउट, मेहम से कर चुका था ये बैकआउट, मेहम से कर चुका था बैकआउट, what the fuck, let's go, देख मेहम से कर चुका था ये बैकआउट क्योंकि इसका विजन ब्रॉडर था, अनार्की में फकअप का रीजन पीकू से बैटल का ऑफर था, यूसी के टाइम पे था ये जहां वहां साइट पे बॉर्डर था, और पोस्ट ये इसलिए नहीं कर पाया शूट एट साइट का ऑर्डर था, फैक्ट्स ब्रो फैक्ट्स। बलजिन याद है मैंने तुझे कहा था अपने करियर और पैंथर की दोस्ती में से एक को कर चूज, क्योंकि इसके जैसे सांप दोस्ती का नाम का बहुत अच्छे से करना जानते हैं यूज।
अपना डिसीजन खुद लिया। तभी सिक्स एफ यू के पूरे क्रू ने तुझ में भी इंटरेस्ट कर दिया लूज, और ये तेरा बेस्ट फ्रेंड बन के तेरे साथ चिपका रहा क्योंकि इसे तेरे नाम से मिल रहे थे व्यूज। और तू नहीं चलने वाली तेरी स्कीम कोई, अच्छे से समझ ले बात। ये गलती से भी निकाली आज मैनेजमेंट की गलती, तो ये मैनेजमेंट ही रख देगी तुझे काट के। तुझे हमेशा से रही है मैनेजमेंट से दिक्कत क्योंकि तू आगे नहीं बढ़ पाया चाट के। पर लाड ले मेरी बात अब मान ले, क्योंकि उठ गए मेरे हाथ ये तो तू पड़ जाएगा खाट पे। चतुर तू जब तक करता रहेगा रैप मैं तुझे ऐसे ही करता रहूंगा रोस्ट। देख तुझे चाहिए एक नई हॉबी, और बलचिन तुझे चाहिए एक नया दोस्त। ब्रो हैश ही तेरी मार लेगा अगर बात की तूने ट्रबल की। हैश ही तेरी मार लेगा अगर बात की तूने ट्रबल की। स्मैशर अपने हाथों से बदल देगा तेरी शक्ल ही। अनार्की में दो बार कर चुका है तेरा कत्ल भीम, तभी आज तेरे साथ मेहम में मैं कर रहा हूं गलत सीन। मुझे पहले दिन से पता था कि चतुर किसी भी कीमत पे नहीं जीत पाएगा ये गेम। क्रिप्टन ने प्रूविंग ग्राउंड्स में इसकी मार ली तो इसने अपना नाम ही कर लिया चेंज। तू अपनी गलतियां सुधारने के लिए मुझे और मेरी टीम को करता रहा ब्लेम। तुझे फेमस होना था ना चतुर, तो इस बैटल के बाद तू संभाल नहीं पाएगा फेम। इसके जैसे नकली लोगों की वजह से खराब हो चुकी मेरी साई की, दिल्ली से लेके मोहाली हर थाने में रिपोर्ट दर्ज है तेरे भाई की। तो इस बैटल को रखियो, तू बैटल तक नहीं तुझसे बात करेगा मेरा साइड पीस। क्योंकि बैटल लाइफ तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ट्रबल मां चोद देगा तेरी लाइफ की। टाइम That's time.